दोस्त प्रियंका, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया का सबसे स्पेशल प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। ऐसा प्रोग्राम जहां हम जिक्र करते हैं पूरे दिन के उन खबरों के बारे में जो आपके स्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी हुई होती है, और उन खबरों में कितनी सच्चाई है, किस ढंग से उसे पेश किया गया है, इसके बारे में आप लोगों को बताते हैं। आज की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले खबर हमारे पास आई हुई है चांदनी सिंह और खेसारी लाल यादव को लेकर। जी हाँ दोस्तों, खेसारी लाल यादव एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने भोजपुरी में तमाम तरह की दोनों ने फिल्म गाने में काम किया है, और खेसारी और चांदनी की जोड़ी हमेशा से चर्चाओं में रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज खेसारी लाल यादव और चांदनी सिंह के नए एल्बम के नए गाने की जानकारी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ चांदनी की जोड़ी दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है, और हर बार खेसारी के साथ दर्शक चांदनी को देखना चाहते हैं। वैसे आज खेसारी के ऑफिशियल चैनल पर एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और चांदनी सिंह का नया गाना वीडियो में रिलीज किया गया है, जिस एल्बम का नाम है डोली में गोली मार दें पार्ट टू, और गाने के बोल हैं शादी करके भुला जाए वो काहो, और खेसारी के उम्मीद से भी ज़्यादा इस गाने को पसंद किया जा रहा है। तभी तो मात्र 5 घंटे के भीतर ही इस गाने को करीबन 5 लाख से भी ज्यादा लोग सुन चुके हैं। वैसे भी खेसारी के इस एल्बम का जिक्र काफी समय से हो रहा था, और फिर खेसारी ने इस गाने में चांदनी सिंह को लाकर दर्शकों के मनोरंजन को और 4 गुना कर दिया। वैसे दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहेंगे कि खेसारी के ही एल्बम से पहली बार चांदनी सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री में सुर्खियों में आई, और अब वो भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर रही है। दोस्तों की आखिरकार खेसारी लाल यादव और चांदनी सिंह की धमाकेदार जोड़ी एक बार फिर से आप सभी लोगों के बीच नजर आई है, और वो गाना दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी तो भाई इतने कम समय में इतने ज्यादा व्यूज पा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करने वाले हैं जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म। निरहुआ इस साल एक धमाकेदार फिल्म लेकर आए थे बॉर्डर, जिस फिल्म ने एक बहुत ही शानदार कमाई की। और बात करें पहले की, तो साल 2016 में हमारे स्टार खेसारी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म आई थी पटना से पाकिस्तान, जिस फिल्म ने एक जम के कमाई की और बहुत अच्छा खासा रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन अब दर्शकों के ही डिमांड पर हमारे जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इस गणेश चतुर्दशी के खास मौके पर अपने दर्शकों के लिए खास तोहफा लेकर आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सिनेमा के जुबलर स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने साल 2016 में एक फिल्म की थी, जिस फिल्म का नाम था पटना से पाकिस्तान। जिस फिल्म में निरहुआ के साथ काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे शामिल थे, और वो फिल्म भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दमदार तरीके के साथ चली और जमकर कमाई की। तो वहीं आज उसी फिल्म के दूसरे पार्ट के साथ जुड़ी खबर आई है। जी हाँ, अब फिल्म पटना से पाकिस्तान पार्ट टू बनाया जाएगा, जिसका पहला लुक निरहुआ ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। और खबर ऐसी भी आई है कि निरहुआ के अलावा और भी कई स्टार्स इसमें अभी शामिल होंगे, जिसका चयन अभी होना बाकी है। वैसे जब से निरहुआ की ऐसी खबर सामने आई है, तब से हर दर्शकों को की तरफ से यही रिस्पांस आ रहा है, और हर दर्शक ने यही कमेंट किया है कि फिल्म जिस तरीके से पटना से पाकिस्तान सुपरहिट हुई थी, उसी तरीके से अब निरहुआ की फिल्म पटना से पाकिस्तान 2 भी सुपरहिट होगी, और एक ये बड़ी बजट की फिल्म साबित होगी। ऐसे में अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर निरहुआ की ये फिल्म की शुरुआत कब से होती है, यानी शूटिंग की शुरुआत कब से होती है, और कौन कौन से स्टार इसमें नजर आते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी कि जुबल स्टार दिनेश लाल यादव बहुत जल्द अपनी नई फिल्म पटना से पाकिस्तान पार्ट टू की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। फिलहाल बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें हम जिक्र करते हैं पवन सिंह की। एक ऐसे अभिनेता, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने भोजपुरी में कई सुपरहिट फिल्में और गाने किए हैं, और आज उनकी फिल्म लोहा पहलवान को लेकर एक बड़ी खबर आई थी। जी हाँ, जो ये फिल्म 14 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, यानी कि कल रिलीज होने वाली थी, अब अचानक से उसका रिलीज डेट बदल दिया गया है।
क्या है उसका रिलीज, अगला रिलीज डेट किस दिन रिलीज हो रही है और किस वजह से पवन की इस फिल्म को, फिल्म की जो तारीख है उसे आगे किया गया है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की 14 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली थी, जिस फिल्म का नाम है लोहा पहलवान। जो लेकिन अभी अभी बड़ी खबर आई है कि पवन सिंह की इस फिल्म को रिलीज डेट एक बार फिर से बदल दिया गया है। जी हां, कई सालों से अटकी पड़ी पवन सिंह की इस फिल्म को अब 14 सितंबर को नहीं बल्कि 21 सितंबर को रिलीज किया जाएगा। और कल सोशल मीडिया के जरिए इस फिल्म से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई। वैसे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि पवन सिंह के साथ इस फिल्म में पायस पंडित नजर आने वाली हैं और इस फिल्म की शूटिंग पहले ही काफी समय से रोक रोक कर की गई और काफी समय से इस फिल्म की चर्चा ज्यादा हो रही थी, लेकिन बार बार इस फिल्म के रिलीज डेट को बदल दिया जा रहा है। वैसे अब देखना यह है कि आखिर किस कारण से पवन सिंह के इस फिल्म का रिलीज डेट बदला गया है और 21 तारीख को फिल्म को रिलीज डेट क्यों तय किया गया है। तो देखा आपने दोस्तों, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी पवन सिंह की ये फिल्म एक बार फिर से आगे बढ़ गई है। फिल्म रिलीज नहीं होगी कल और फिल्म रिलीज होगी अब 21 सितंबर को। खैर, इस फिल्म इंडस्ट्री में इस तरीके की बातें होती रहती है, इसमें हमारे फैंस को निराश होने की जरूरत नहीं है। फिलहाल बढ़ जाते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर, जिसमें हम बात करते हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो कहे जाने वाले हमारे खेसारी लाल यादव को लेकर। खेसारी लाल यादव के पास एक फिल्म थी मुन्ना मवाली, जिसे लेकर खबर ऐसी भी आई थी कि फिल्म अब खेसारी लाल यादव ने छोड़ दिया है और वो फिल्म अब उनकी जगह प्रमोद प्रेमी यादव कर रहे हैं। जी हाँ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ और किस वजह से खेसारी लाल यादव ने उस फिल्म को छोड़ा था, उसके बाद प्रमोद प्रेमी ने क्या बयान दिया है, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। सात सितंबर को भोजप्रिया बॉक्स ऑफिस पर फिल्म रिलीज हुई थी, जिस फिल्म का नाम था मुन्ना मवाली। जिस फिल्म में हीरो के रोल में भोजपुरी के नवोदित हीरो प्रमोद प्रेमी यादव नजर आए और खबर ऐसी भी आई थी कि ये फिल्म पहले खेसारी लाल यादव करने वाले थे, लेकिन अचानक से खेसारी की जगह पर प्रमोद प्रेमी को लिया गया इस फिल्म में और सिनेमाघरों में फिल्म रिलीज होने के साथ वो सफल पूर्वक चल भी रही है। वैसे आज सोशल मीडिया पर प्रमोद का एक इंटरव्यू भी सामने आया, जिस इंटरव्यू में जब प्रमोद से ये सवाल पूछा गया कि इस फिल्म में पहले खेसारी थे और अब आपने रोल किया है, इस पर क्या कहना है, और इस सवाल पर प्रमोद ने जवाब देते हुए कहा कि जो जिसकी किस्मत में जितना हो उसे उतना ही मिलता है और मेरे नसीब में ये फिल्म करना लिखा था और मैंने इस फिल्म में अपना काम किया। वैसे देखा जाए तो इस फिल्म में प्रमोद के साथ पूनम दुबे और अंजना सिंह को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो देखा आपने दोस्तों, आखिरकार खेसारी लाल यादव को लेकर प्रमोद प्रेमी यादव का बयान जो सामने आया है उससे आप पूरी तरीके से वाकिफ हो चुके हैं। फिलहाल बढ़ जाते हैं आज की आखिरी खबर की ओर, जो कि हमारे जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ जुड़ी है। दिनेश लाल यादव निरहुआ एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने भोजपुरी में सुपरहिट फिल्में तो दी ही हैं और अब एक बार फिर से उनकी एक और शानदार फिल्म का आगाज हो गया है। फिल्म का नाम है निरहुआ वंदे। जी हाँ, वंदे मातरम का जो उनकी फिल्म है उसमें देखते हैं कि निरहुआ की जो फिल्म है वंदे मातरम वो दर्शकों को किस तरीके से अपनी ओर आकर्षित करती है और आज इस फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज हुआ है। बाकी इसके साथ और क्या खास फिल्म का क्या खास जानकारियां इस फिल्म से जुड़ी, आइए आप लोगों को दिखाते हैं। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें। भोजपुरी फिल्मों के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने आखिरी फिल्म बॉर्डर करने के बाद काफी लंबा समय का वीकेंड एंजॉय किया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना लंबा वीकेंड मनाने के बाद जल्द ही निरहुआ करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर वापसी, क्योंकि अब वो अपनी नई फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने वाले हैं और इस नई फिल्म का नाम है वंदे मातरम। जी हाँ, वंदे मातरम एक देशभक्ति पर आधारित फिल्म है जिसका निर्माण कर रहे हैं
अनंजय रघुराज और जिसके प्रोड्यूसर हैं प्रेमांशु सिंह। ये दोनों जोड़ी मिलकर मेहंदी लगा के रखना 1, मेहंदी लगा के रखना 2 और डमरू जैसी फिल्मों का निर्माण कर चुके हैं। अब दोनों एक बार फिर से वंदे मातरम लेकर आने वाले हैं निरहुआ और आम्रपाली दुबे के साथ। जी हाँ, हमेशा की तरह इस फिल्म में भी निरहुआ के साथ आम्रपाली दुबे ही नजर आएंगी। खास बात ये भी है कि निरहुआ इस फिल्म में रनर प्लेयर का किरदार निभा रहे हैं, जो अपने देश के लिए अपनी मेहनत के बल पर गोल्ड मेडल जीत कर लाता है। एक गरीब परिवार से होते हुए उसके हौसलों की उड़ान और बुलंदी सब कुछ इस फिल्म में दिखाई जाएगी। फिलहाल इस फिल्म का मुहूर्त हो चुका है और जल्द ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी आज की भोजपुरी की वो तमाम खबरें, तमाम जानकारियां जो कि आपके स्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ी थी। फिलहाल दोस्तों, मैं प्रियंका राज आपके खास प्रोग्राम में इतना ही। मैं कल एक बार फिर से नई खबर, नई जानकारी के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, हमारे चैनल लाइक साइन न्यूज भोजप्रिया को देखकर और इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आप लोगों तक पहुँच सके, कोई भी खबर, कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। फिलहाल दोस्तों, आज के खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्टार्ट योर करियर विद अस।